नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अब तक विधायक सेगमेंट में आज हम बात करेंगे किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज बात करेंगे 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की। 2015 के हुए चुनाव में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद जावेद निर्वाचित हुए थे, लेकिन वर्ष 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य होते हुए भारतीय आम चुनाव में किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए। परिणाम स्वरूप किशनगंज विधानसभा सीट खाली हो गई। रिक्त हुए सीट के लिए वर्ष 2019 में बिहार विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें इस क्षेत्र में कमरूल होदा विधायक बने। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लोकसभा और विधानसभा में भाग्य आजमाने के बाद कमरूल होदा के माध्यम से बिहार में खाता खोल दिया। कमरूल होदा ने भाजपा प्रत्याशी स्वीटी सिंह को लगभग 10,000 से अधिक वोटों से हराया। कमरूल होदा का राजनीतिक सफर 2001 से आरंभ हुआ था। इसके बाद वे हर एक सीढ़ी आगे बढ़ते गए। 2001 में वे किशनगंज ब्लॉक के टेओशा पंचायत के मुखिया बने। इसके बाद अगले चुनावी वर्ष में ब्लॉक के प्रमुख हुए। तीसरे चुनाव में वे जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर चयनित हुए। उन्होंने हाल ही में AIMIM पार्टी से ज्वाइन किया था। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2010 को देखें तो वर्ष 2010 के नवंबर माह में डॉक्टर मोहम्मद जावेद विधायक हुए थे। मोहम्मद जावेद कांग्रेस से थे। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी स्वीटी सिंह को हराया था। स्वीटी सिंह भाजपा से थी। कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद 253,597 वोट हासिल किया था, लेकिन वर्ष 2019 में वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए। अब इसके पूर्व हुए वर्ष 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो वर्ष 2005 के फरवरी और अक्टूबर माह में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान विधायक बने थे। अख्तरुल ईमान राजद के टिकट से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार संजीव कुमार को शिकस्त दी थी। संजीव कुमार यादव भाजपा के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। अब हम चलते हैं वर्ष 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की ओर। चुनावी वर्ष 2000 में तस्लीमुद्दीन राजद से विधायक चुने गए थे। राजेश्वर वैद भाजपा के टिकट से खड़े हुए थे। इस चुनाव में तस्लीमुद्दीन ने राजेश्वर वैद को शिकस्त दी थी। रकीफ आलम कांग्रेस के सदस्य होते हुए वर्ष 1995 में इस सीट से विधानसभा चुनाव में उतरे थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी JD के मोहम्मद मुस्तैक मुन्ना को बिहार विधानसभा वर्ष 1995 में हराया था। बिहार विधानसभा वर्ष 1990 की बात की जाए तो मोहम्मद मुस्तैक मुन्ना JD पार्टी के चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वहीं खलीलुर रहमान भी इसी सीट से विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे। किशनगंज की जनता ने वर्ष 1990 में मोहम्मद मुस्तैक को विधायक के तौर पर चुना था। विकास के मुद्दों की बात करें तो बिजली की सुविधा लोगों को मिली है, लोगों को पेयजल की भी पूर्ति की गई है, शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ी है। वहीं अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी विकट समस्या है। जूट मिल बंद हो चुका है, जिसे चालू करने की मांग बनी हुई है। अब तक विधायक सेगमेंट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।